अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर अरसलान अहमद और आप देख रहे हैं सैयद फाजिल बुखारी यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वोल्केनोज। वोल्केनोज क्या है? बेसिकली वोल्केनोज आर द ओपनिंग्स, रप्चर्स या फिर वो वेंट होते हैं जो कि एक अर्थ सरफेस पे होते हैं और उनके यहाँ से लावा या फिर मैग्मा निकलता है बाहर दूसरे अर्थ सरफेस पे। मतलब कोई भी ओपनिंग हो जिसके थ्रू मैग्मा निकले बाहर अर्थ सरफेस पे, इसको हम इस प्रोसेस को इस चीज को हम वोल्केनो कहते हैं। ठीक है, जैसे आप इस फिगर में देखें तो इस माउंटेन से जो है वो लिक्विड फॉर्म में लावा मैग्मा निकल रहा है, तो इसको हम वोल्केनो कहते हैं। व्हाई वोल्केनोज इरप्ट? वोल्केनोज इरप्ट क्यों होते हैं? बेसिकली जो हमारा अर्थ है उसके तीन लेयर्स होते हैं जिसपे हम रहते हैं, उसको हम क्रस्ट कहते हैं, और उसके बाद मेंटल आ जाता है और उसके बाद कोर आ जाता है। तो जो बीच वाला मेंटल एरिया है, ठीक है, मेंटल लेयर है, इसमें क्या होता है, इसमें मोल्टन मटेरियल्स होते हैं, पिघले हुए मटेरियल्स होते हैं जो कि बहुत गर्म होते हैं, जिनको हम रेड मटेरियल्स, रेड हॉट मटेरियल्स कहते हैं, और इसी रेड हॉट मटेरियल को हम मैग्मा के नाम से जानते हैं। और यही मैग्मा जब बाहर आता है तो ये लावा बन जाता है। उसके बाद जो इसकी वजूहात है वोल्केनो की, उसमें सबसे बड़ी अहम और सबसे ज्यादा बायस बनने वाली जो वजह है वो सबडक्शन है। सबडक्शन क्या है? सबडक्शन बेसिकली जो अर्थ है उसके नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो जब आपस में स्लाइड्स करती हैं, ठीक है, स्लाइड करती हैं, तो उनके स्लाइडिंग से, टकराने से जो स्लाइडिंग होती है वहां से फ्रिक्शन होता है, ठीक है, घसने से क्या होता है, फ्रिक्शन पैदा होता है, तो वहां से हीट रिलीज होती है। ठीक है, ऑलरेडी जब मेंटल एरिया में मैग्मा मौजूद होता है, इतना हीटअप होता है जिसको हम रेड सब्सटेंस भी कह रहे हैं, रेड रेड हॉट मटेरियल कह रहे हैं, तो पिघलने की जब प्लेट्स जो है वो आपस में ऐसे रगड़ती हैं, फ्रिक्शन पैदा होता है, तो मजीद मटेरियल ये बढ़ता है, तो इसकी वजह से जो है वो नीचे प्रेशर बिल्ड होता रहता है, सब लिक्विड जो मैग्मा है वो बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से इरप्शन होती है वोल्केनो की। तो इस इरप्शन को हम जो है वो सबडक्शन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी वजह है वो रिफ्टिंग है। रिफ्टिंग क्या है? बेसिकली रिफ्टिंग तब होती है कि जब यही टेक्टोनिक प्लेट्स जो जमीन के अंदर है ये आपस में अगर अलग अलग होने लगती है, ठीक है, दूर दूर जाती है, तो इनकी वजह से भी कभी कभी वोल्केनो इरप्ट हो जाता है। उसके बाद जो इसकी तीसरी मेन वजह है वो है हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट क्या होता है? बेसिकली अर्थ के नीचे मेंटल एरिया में जब एक जगह पे बहुत सारा वोल्केनो इकट्ठा होता जाता है, ठीक है, स्टोर हो जाता है, तो वो एक ना एक दिन इरप्ट होने लगता है, तो इसको हम हॉटस्पॉट कहते हैं। जैसे कि इस आप फिगर में देखें तो आपको नजर आएगा कि ये जो नीचे हॉटस्पॉट यहाँ पे लिखा हुआ है, देखें यहाँ पे मैग्मा कितना जमा हुआ है और अल्टीमेटली वो बाहर निकलता है, इसको हम हॉटस्पॉट कहते हैं। तो इन तीन तरीकों से मैग्मा निकलता है बाहर और वोल्केनो आ जाता है। उसके बाद अगर हम वोल्केनो की क्लासिफिकेशन करें तो इसको हम दो तरह की क्लासिफिकेशन कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है एक्सप्लोजिव और दूसरा होता है नॉन एक्सप्लोजिव। ठीक है, एक्सप्लोजिव क्या होता है? जब अंदर मौजूद मैग्मा थिन हो, ठीक है, और उसमें से गैसेस एस्केप हो जाए, निकल जाए थिन होने की वजह से, तो वो वाला जो मैग्मा है वो एक्सप्लोजिव नहीं होता है, वो नॉन एक्सप्लोजिव इन नेचर होता है, क्योंकि गैसेस निकल जाते हैं तो वो आराम से जो है वो बाहर निकल के उस ओपनिंग से जमीन में निकल के बहने लगता है। तो इस तरह के जो वोल्केनो है इसको हम नॉन एक्सप्लोजिव कहते हैं। और उसके बरक्स जब वोल्केनो मेंटल के अंदर जो लिक्विड है, ठीक है, जिसको हमने मैग्मा कहा, वो जब थिन होता है, थिक होता है, सॉरी, गाढ़ा होता है, तो उसमें से गैसेस भी नहीं निकल पाती, तो वो नतीजतन क्या होता है, वो जब बाहर निकलता है तो वो इतना गाढ़ा होता है कि धमाके से निकलता है, तो इस वजह से हम इसको एक्सप्लोजिव कहते हैं। ठीक है, तो ये दो कैटेगरीज आप में, आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद अगर टाइप्स ऑफ वोल्केनोज की बात करें तो तीन तरह के टाइप्स होते हैं। स्टिल एक्टिव होता है, मतलब कि जो अभी तक एक्टिव है, अगर आप फिगर में देखें तो आपको नजर आ रहा होगा जो एक्टिव है वोल्केनो, उसमें आप देख रहे हैं ये वोल्केनो, इसमें लावा मैग्मा जो है वो अभी तक चल रहा है। मैंने जैसे पहले भी क्लियर किया कि लावा वो चीज होती है जब वही मैग्मा जो जमीन के अंदर लिक्विड है वो जब बाहर आता है तो इसको हम लावा कहते हैं, जब जमीन के अंदर होता है तो उसको हम मैग्मा के नाम से जानते हैं। तो ये जब मैग्मा अंदर होता है और वो स्टिल एक्टिव होता है, ठीक है, बाहर निकल भी रहा होता है और नीचे भी मौजूद होता है मेंटल एरिया में, तो इसको हम स्टिल एक्टिव
टाइप में काउंट करेंगे, और जब आधा डोरमेंट वोल्केनो वो होता है कि मतलब मैग्मा जो है वो अंदर मौजूद तो लेकिन बाहर इरप्ट ना हो रहा हो इतना ज्यादा, तो उसको हम डोरमेंट कहते हैं कि भाई ये अब ढल गया है, अब शांत हो गया है। उसके बाद एक्सटेंट है जो कि मतलब खत्म हो चुका हो वोल्केनो, अभी ना हो रहा हो मजीद, तो उसको हम एक्सटेंट वोल्केनो के नाम से जानते हैं। तो ये तीन तरह के वोल्केनोज होते हैं। उसके बाद अगर हम दूसरे टाइप की इसकी बात करें तो शील्ड वोल्केनो, तो शील्ड वोल्केनो बेसिकली ये आराम से बहते हैं, ठीक है। इनको शील्ड वोल्केनो इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये आराम से बहते हैं, तो ये टॉम, ठीक है, टॉम टाइप जो है वो शेप बनाते हैं, जैसे डोम होता है, मकबरा होता है, तो इस तरह से वो शेप बनाते हैं। इसको हम जो है वो शील्ड वोल्केनो कहते हैं, और वो ये ठंडे होते हैं, और नॉर्मली जो है वो ये आपको हवाई आइलैंड जो है इस पे आपको ये मिलेंगे इस तरह के। उसके बाद जो इसका कंपोजिट वोल्केनो है, ये इसके बरक्स होते हैं, ठीक है। ये इरप्ट होते हैं ज्यादातर, मतलब इसमें से सीरीज होती हैं ये, कभी एक्टिव वोल्केनो यहाँ से निकलता है, मैग्मा निकलता है, या फिर एशेस खाक की सूरत निकलती है, फिर जो है मैग्मा निकलता है, फिर खाक निकलती है, तो ये इस तरह का होता है। और इसका ये सबसे लंबा होता है जो पहाड़ होता है जहां से निकलने वाली, ये जैसे वो शील्ड वाला था वो डोम था शेप में, ठीक है, डोम की तरह, मतलब जैसे मकबरा होता है, ये उसके उलट होता है, ये टाल होते हैं, ठीक है। इसमें से जो इरप्शन होती है वो धमाका भी होता है, बॉम्ब टाइप फील होती है, ठीक है। तो ये कॉम्पोजिट वोल्केनोज होते हैं, ये ज्यादातर माउंट फिजी जापान के अंदर और माउंट सेंट हेलेंस में होती है, वाशिंगटन स्टेट्स में। उसके बाद अगर हम इफेक्ट्स की बात करें तो इफेक्ट्स ऑफ वोल्केनोज क्या होते हैं, वोल्केनोज की वजह से क्या क्या असरात होते हैं। तो सबसे पहले जो जब वॉल्केनोज समंदर में होते हैं, सीज में होते हैं, तो वो सुनामी का बायस बनते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब वो जमीन पे होते हैं तो ज्यादातर वॉल्केनोज के साथ साथ अर्थक्वेक भी आता है, तो ये भी उसका इफेक्ट होता है। उसके बाद अगर ह्यूमन लाइफ की बात करें तो इंसान की जिंदगी पे इस तरह से असर करता है कि जो हमारा वाटर साइकिल है जिसमें लेक्स में पानी है वगैरह है, वो पॉइजनस हो जाता है लावा निकलने की वजह से, मैग्मा निकलने की वजह से, तो वो हार्मफुल सब्सटेंस आते हैं, तो पानी की जो साइकिल है वो भी इससे इम्पैक्ट होती है, तो ये भी इसका एक मेजर इफेक्ट है। उसके बाद स्ट्रक्चरल डैमेज होता है, जब भी लावा बहता है तो जो जो चीजें इसके सराउंडिंग में आती हैं वो उन सबको, जैसे किसी के घर हो गए, कोई भी स्ट्रक्चरल चीजें हैं, ठीक है, वो सारी वो बह जाती हैं, वो खत्म हो जाती हैं, जल जाती हैं, तो स्ट्रक्चरल डैमेज भी होता है। फिर टॉक्सिक गैसेस भी एटमॉस्फेयर में रिलीज होती हैं, ये भी अगेन एक इफेक्ट है वोल्केनोज का। उसके बाद जो है वो टेम्परेचर भी राइज हो जाता है, ऑलमोस्ट 1200 सेल्सियस डिग्री तक राइज हो जाता है। तो ये थे इफेक्ट्स, टाइप्स ऑफ वोल्केनो एंड वोल्केनोज के बारे में। आई होप इट इज क्लियर नाउ। मिलते हैं दूसरे लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।